तो दोस्तों फाइनली यहाँ पर राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना में मृत्यु प्रमाण पत्र जो 18 अंकों का है वो यहाँ पर अपलोड होना शुरू हो गया है। तो जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर मृत्यु की तिथि आप देख सकते हैं, जारी होने की यहाँ पर दोस्तों मृत्यु प्रमाण पत्र की तिथि देख सकते हैं, यहाँ पर दोस्तों मृत्यु प्रमाण पत्र संख्या भी आप देख सकते हैं, और नीचे दोस्तों हमने वैलिडेट डेट यहाँ पर दोस्तों कर सक चुके हैं, यहाँ पर डेथ सर्टिफिकेट नंबर जैसी वैलिडेट किए हैं आपको देखा जा रहा है, यहाँ पर जो पूरा डेटा है आ गया है आपके सामने। और अब यहाँ पर दोस्तों वैलिडेट डेट डिटेल आप दोस्तों देख सकते हैं, यहाँ पर पूरा यहाँ पर दोस्तों ब्यौरा खुल के आ गया है जो मृत्यु प्रमाण पत्र में दोस्तों आप देख सकते हैं। मृत्यु के पंजीकरण की तिथि है, मृत्यु की तारीख, सब कुछ यहाँ पर दोस्तों आ गया है। जैसे कि 18 जून 2024 का है जो पंजीकरण का यहाँ पर दोस्तों तिथि है, मृत्यु की तिथि भी यहाँ पर दोस्तों आपको दिख जाएगी यहाँ पर। तो यहाँ पर दोस्तों अब आप ये कार्य यहाँ पर बहुत ही आसान तरीके से आप कर पाएंगे, अब कोई भी प्रॉब्लम दोस्तों साइड में नहीं है, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों अभी हमने दोस्तों वेरीफाई यहाँ पर कर चुके हैं पूरा जो सर्टिफिकेट है आप देख सकते हैं। अब हमारे ऑलरेडी सारे स्टेप दोस्तों कंप्लीट थे, बट मृत्यु प्रमाण पत्र का नहीं हो रहा था, वो भी अब हो गया है। अब हम यहाँ पर दोस्तों अपना जो मृत्यु प्रमाण पत्र है यहाँ पर वैलिडेट कर पाएंगे और अपना यहाँ पर फाइनल प्रिंट निकल पाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अवश्य कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।